पहली बार आप लोगों ने देखा होगा पैसों का पेड़। तो ये देखिए, सच में ये पैसों का ही पेड़ है। ये देखिए मंदिर के अंदर का नजारा। बुद्धिस्ट धर्म का ही है, इस धर्म को किस तरह से फॉलो किया जाता है वो सब इस बुक में दिया हुआ है। तो सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है लुम्बिनी में। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, कोई धक्का मुक्की नहीं, एकदम साफ और क्लीन। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आई हूँ बुद्ध मंदिर के पास और इसका ब्लॉग मैंने पहले भी डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और आज जो यहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो जो भांते जी सब पहनते हैं ड्रेस, उस ड्रेस को आज यहाँ के लोग प्रदान करेंगे। जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग यहाँ आए हुए हैं और भांते जी जो भी ड्रेस पहनते हैं तो वो लोग प्रदान करेंगे। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा गया है। तो इस ब्लॉग से बने रहे, आप लोग को पूरा देखने को मिलेगा कि ये लोग ये फेस्टिवल किस तरह से मनाते हैं। मैं तबस्सुम खातून, आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ किस तरह का इंतजाम किया गया है, ये लोग कैसे अपना फेस्टिवल मनाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ देखिए लोगों की भीड़ और बहुत ही दूर दूर से लोग आए हैं आज। बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है, कुछ दुकान सब लगी है और अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो वो सब आप लोग को दिखाएंगे इस ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग से एंड तक बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते से लेकर अंदर तक डेकोरेट किया गया है। और यहाँ जो भी आपको भीड़ दिख रही है ये सब बौद्ध धर्म मानने वाले हैं और वही लोग आज आए हैं यहाँ पर अपना फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। तो लोगों की भीड़ देखिए कितनी है यहाँ। और इस साइड देखिए यहाँ जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पर सब अपना जो भी रस्म होता है इन लोगों का वो कर रहे हैं, कैंडल जलाकर इन लोगों का जो भी पूजा होता है वो करते हैं, कैंडल और अगरबत्ती। और दोस्तों इस साइड देखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं आए हैं ये सब बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वही लोग यहाँ हैं। तो बौद्ध धर्म मानने वाले भी बहुत लोग हैं यहाँ आए हैं। तो दोस्तों पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो देखिए लोगों की भीड़ कितनी है। और यहाँ जो बुक सब सेल हो रही है ये सब बुद्धिस्ट धर्म का ही है, इस धर्म को किस तरह से फॉलो किया जाता है वो सब इस बुक में दिया हुआ है। तो सभी लैंग्वेज में आपको यहाँ बुक मिल जाएगी, बंगाली, इंग्लिश और हिंदी और भी लैंग्वेज है, तो सभी लैंग्वेज में आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं। और यहाँ लोगों की भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं किचन की तरफ और देखते हैं यहाँ खाने पीने का क्या क्या इंतजाम किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खाने का इंतजाम हो रहा है, चावल धो रही हूँ आंटी जी और देखिए यहाँ चूल्हा वगैरह सब जला हुआ है। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं अंदर जहाँ सबको खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ काफी है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम कितना अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, कोई धक्का मुक्की नहीं, एकदम साफ और क्लीन, सभी आराम से खाना लेकर अपने जगह पर बैठकर खा रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा किया है यहाँ पर, तो वो बहुत ही अच्छा लगा, सभी लोग एकदम आराम से बैठकर खा रहे हैं और भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हर चीज़ अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया गया है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम का
का ब्लॉगिंग करने के लिए भानते जी ने स्पेशली हम लोगों को इनवाइट किया है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं आज यहाँ। और दोस्तों ये देखिए मंदिर के अंदर का नज़ारा, कितने अच्छे तरीके से पूरे मंदिर को डेकोरेट किया गया है। और यहाँ अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुई है, और ये जो रेड रेड आप लोग चेयर देख रहे हैं, ये सारे चेयर गेस्ट और भानते जी के लिए ही स्पेशली लगाया गया है। दोस्तों भानते जी हर मंदिर में जो पुजारी होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भानते जी को बहुत धर्म में वैसा नहीं है। यहाँ पैसों का पेड़ बनाया गया है, जिनको भी दान करना होता है मंदिर के लिए वो इस पेड़ में पैसा लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसा लगा है। तो दोस्तों पहली बार आप लोगों ने देखा होगा पैसों का पेड़, तो ये देखिए सच में ये पैसों का ही पेड़ है। दोस्तों जैसे कि हर मंदिर में दान पेटी होता है, तो इस मंदिर में पैसों का पेड़ बनाया गया है। जो भी आते हैं लोग मंदिर में, वो यहाँ पर जिसकी जितनी हैसियत होती है उतनी पैसों में पेड़ में पैसा बांध देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पर अंकल जी बांध रहे हैं पैसा, और ये जो पैसा है मंदिर के काम के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है पैसों का पेड़। तो दोस्तों देखिए सभी लोग रैली में अपने सर पर फ्रूट्स और कुछ जो पत्ते वगैरह हैं वो लेकर मंदिर की ओर बढ़ गए हैं। ये रैली मंडल ग्रेस से शुरू हुई थी और मंदिर की तरफ आ रही है। सभी लोगों के सर पर है फल और कुछ फूल के पत्ते। इन लोग का ये स्पेशल नियम है जो ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ प्रोग्राम किस तरह से मनाया जाता है।
শেষ আসন গ্রহণ করুন। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে রাজকুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন লুম্বিনী, সে লুম্বিনী থেকে আগত আর লুম্বিনী সাইয়ুবে আপ আম সব লোক জানতে হে কি সিদ্ধার্থ গৌতম জিনোনে জন্ম গ্রহণ কিয়া হে লুম্বিনী মে লুম্বিনী সে আয়ে হুয়ে পরম পূজনীয় পদ তালী এবং মহাদেব বান্ধে জি উপস্থিত হুয়ে হে। আজ কি সভা কি প্রধান অতিথি হোঙ্গে और आम लोगों का बीच में उपस्थित है विशेष रूप अतिथि रूप से महाराष्ट्र से आए हुए बदन डॉक्टर अर्शबुद्धि महातेरो जी हमारे मानी उपस्थित आज उत्तरबंग बिंगु संगे सुजुग्य प्रधान उपदेष्टा एवं हमारे नागरकता जटाबन बिहारे सुजुग्य बिहार अध्यक्ष আজকে আমাদের আপনাদের প্রত্যেকে রবিবার আশীর্বাদ পরম সন্দেহ বদন্ত জ্ঞানোত্তর মহাদেব মহোদয় এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আলী বুদ্ধবার্তা ভবন বৌদ্ধ বিহার সংস্থার সুযোগ্য বিহার দত্ত রূপকার এবং উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞ সঙ্গে সহসভাপতি স্নেহাবাজন সদম শ্রী স্তবীর মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দাবিন শান্তি নিকেতন বুদ্ধিসভা বিহারের অধ্যক্ষ যুদ্ধোত্তর বিক্ষু মহোদয়, দোষ বৌদ্ধ মন্ত্রী বিহারে বিহারাধ্যক্ষ সঙ্গপাল বিক্ষু এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন কলকাতা থেকে আগত স্নেহবাজন আমাদের নাগরিকতা ব্লক সভা নেত্রী মৌসুমী ভট্টাচার্য বিশেষ অতিথি রূপে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ওনাকে আসন গ্রহণ করার জন্য। और दोस्तों अब हम लोग खाना खाने के लिए खाना था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी और सारा मैनेजमेंट तो मैंने कहा ही ये बहुत ही अच्छा है। और ये है मुनमुन जी जिनका ब्लॉग मैंने पहले भी अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। और सबके खाने के बाद अब मुनमुन जी सब भांते जी सब जो भी आए हैं गेस्ट बाहर से उनके खाने का सारा रेडी कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर सबको खाना खिला रहे हैं। जितने भी भांते जी यहाँ पर दिख रहे हैं सभी बाहर से आए हैं, दो सिर्फ मंदिर के हैं, बाकी सब बाहर से गेस्ट के तौर पर सभी को इनवाइट किया गया है। तो पूरा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा, हर चीज़ अच्छे से मैनेज किया गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अगर आप लोग मेरे चैनल और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ।